नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। अगर आप एक डेयरी फार्म शुरू करते हैं या फिर एक डेयरी फार्मर हैं तो आपको एक फीडिंग ट्रे यानी कि खुरली या नान हम इसको बोल सकते हैं, आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो इसकी आपको ज़रूरत होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसे बना सकते हैं व किन किन चीज़ों यानी कि मटेरियल की आपको ज़रूरत होगी। तो और मैं आखिरी में आपको इस पर होने वाला खर्चा भी बताऊँगा, तो आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। व अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे एक डेयरी फार्म है, जिसमें कि हमने इनसे जानकारी ली थी कि किस तरह से इसको बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो देख पा रहे हैं आप, इसकी चौड़ाई 2 फीट की है, यानी कि दीवार से आपको 2 फीट दूर 4 इंच की एक दीवार करनी है, 2 फीट ऊँची वह दीवार से 2 फीट दूर। और ये जो ये दीवार है, आप मैं आपको 10 पशुओं के लिए बता दूं कि आपको 500 ईंट की ज़रूरत होगी, जो कि आपको लगभग 2000 रुपये की पड़ेगी। वह 1500 रुपये की रेत आपको कुल लगेगी इसमें, वह 1500 रुपये की आप सीमेंट मान लीजिए, जो कि मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो इसमें आपको जो कुल खर्चा होगा वह 5000 से 7000 रुपये के बीच में होगा। वह आपका जो कारीगर है उसको बिल्कुल ही अच्छे से बना देगा आप, अगर आप उनको बताएंगे तो ये जो है दाना खिलाने के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, वह आपको सूटेबल रहती हैं, आप इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया।